हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 5 के अंतर्गत प्रकृति किताब के अंतर्गत पार्ट 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था के प्रश्न उत्तर का हल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर है हमारे देश के कामकाज को चलाने के लिए संविधान को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के कितने अंग होते हैं? तो इसका उत्तर है शासन के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून के अनुसार न्याय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। तो एक तो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है हमारा भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू किया गया? तो यहाँ भरा जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को खालिस्तान दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गा प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। गा है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहते हैं? तो इनको कहते हैं सांसद। नेक्स्ट है, लोकसभा राष्ट्रपति और राज्यसभा को मिलाकर बनती है? तो इनको मिलाकर बनती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य कार्य लिखिए। तो पहला है व्यवस्थापिका, तो इसका कार्य है कानून का निर्माण करना। नेक्स्ट है कार्यपालिका, तो इसका काम है कानून को लागू करना। नेक्स्ट है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, इसका काम है कानून के अनुसार न्याय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चित्र एकत्र करके अपनी पुस्तिका में चिपकाएं, चित्र के नीचे उनके कार्य लिखिए। तो सबसे पहले एक हमने चित्र बना लिया है प्रधानमंत्री जी का, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का चित्र है, उसके नीचे लिखेंगे प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद इनका कार्य क्या है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट पिक्चर लेंगे हम लोग राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्य है संविधान की रक्षा करना। नेक्स्ट पिक्चर है उपराष्ट्रपति जी की, इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। इनका कार्य है राज्यसभा का संचालन करना। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।